नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराज मशीनरी कंपनी, नानक नाम मशीनरी कंपनी, अनमोल मशीनरी कंपनी, गुरकीरत मशीनरी कंपनी चैनल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आपके लिए रोज़ नए नए बिजनेस आइडियाज़, नए नए मशीन्स हम लेके आते रहते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यू ऑटोमेशन की न्यू मशीन लेके आए हैं। न्यू बिजनेस आइडिया है, इसमें आप काम करके डेली से 15 से 20 हज़ार आसानी से कमा सकते हो। फुली ऑटोमेटिक मशीन लेके आए हैं आपके लिए। एक आदमी इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है। इसमें बस आपने इसका जो बिजनेस का नाम है ये नोटबुक मेकिंग मशीन, और जो मशीन का नाम है वो है फुली ऑटोमेटिक 4-in-1 नोटबुक स्टिचिंग फोल्डिंग एडजस्टिंग और कटिंग मशीन। इसमें जैसे पहले काम होता था मैनुअली होता था, उसमें होता था आपने फोल्डिंग हाथ से करनी है, फिर स्टिचिंग अलग मशीन में होती थी, एडजस्टिंग अलग में होती थी, कटिंग अलग में होती थी। फिर उसके बाद अभी 3-in-1 मशीन भी होती है हमारे पास, जिसमें स्टिचिंग फोल्डिंग और एज स्केरिंग हो जाता है। अभी हमारे पास ये भी मशीन है जिसमें अपने स्टिचिंग फोल्डिंग एज स्केरिंग और कटिंग भी एक ही मशीन में हो जाएगा। इसमें आपको मैं समझाता हूँ, आपने यहाँ पे पेपर और टाइटल रखना है। यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले जो काम होता है, यहाँ पे पेपर और टाइटल रखना है आपने। ऑटोमेटिक मशीन कन्वेयर आगे लेके जाएगा, यहाँ पे स्टिचिंग हो जाएगा, स्टिचिंग हेड होता है। इसमें आप 300 साढ़े 300 पेजेस तक कॉपी बना सकते हो। उससे ज़्यादा भी बनानी है तो आप कस्टमाइज मशीन बनवा सकते हो अपने के लिए, जितने मर्जी पेजेस की आप मशीन बनवा सकते हो। कि मैंने 400 पेज 500 पेज की कॉपी बनानी है तो उसके लिए कस्टमाइज मशीन बन जाती है। तो स्टिचिंग यूनिट हो गया है, इसके आगे यहाँ पे फोल्डिंग होता है। फोल्डिंग यहाँ पे हो गया है, जो मैनुअली हाथ से लोग फोल्ड करते थे वो मशीन में फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने के बाद यहाँ पे एडजस्टिंग होएगा। एडजस्टिंग होने के बाद ये फ्रंट कटिंग मशीन है, इसमें कॉपी की फ्रंट साइड कटिंग होएगी। उसके बाद ये कटिंग यूनिट सेकेंडरी कटिंग यूनिट है, इसमें कॉपी आपकी सेंटर से कटिंग होगी और साइड कटिंग हो जाएगी, और कॉपी आपकी जो होगी रेडी होके बनकर तैयार होके ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ मशीन की, सारे कैसी मशीन की वर्किंग है, कैसे काम करती है, सारी वीडियो भी दिखाऊंगा मशीन की।
आ जाओ, मैं आपको मशीन दिखाता हूँ पास से। ये मशीन आप देख सकते हैं, जितना सारा बेड होता है इसका, सारा स्टेनलेस स्टील का बेड लगा रहता है। इसमें टच स्क्रीन पैनल रहता है, सीमेंस का पैनल रहेगा, फ्यूजी की ड्राइव होती है, फ्यूजी का टच स्क्रीन पैनल होता है। इसमें आप मशीन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, इसमें आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें से प्रोग्राम डाले होते हैं कितने पिन की आपने कॉपी बनानी है। अगर बड़ी कॉपी है तो 6 पिन लगती हैं, जैसे डबल कॉपी बनती है, जैसे ये कॉपी ऐसी होती है, देखो ऐसे कॉपी होती है, तो ये डबल कॉपी, दो कॉपी का पेपर है तो दो कॉपी है, तो इसमें 6 पिन, दो कॉपी में जैसे 4 पिन लगेंगी, छोटी कॉपी है, बड़ी कॉपी है तो उसमें 6 पिन लगती हैं। यहाँ पे प्रोग्राम हमने ऑलरेडी फीड किया होता है, 4 पिन का है तो 4 पिन सेलेक्ट कर लो, 6 पिन का है तो 6 पिन सेलेक्ट कर लो, वो 6 पिन का आ जाएगा, ये 6 पिन का साइज आ गया। यहाँ पे साइज भर दो, कितने डिस्टेंस पे पिन लगानी है, ऑटोमेटिक वो पिन लगा देगा वहाँ पे। अभी हमने 4 की जैसे बनानी है तो 4 सेलेक्ट किया, कर दिया, यूज प्रोग्राम पे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा नंबर ऑफ स्टिचिंग कितने हैं, सेट स्टिचिज चार आ गया। तो इसमें डायग्नोज मोड भी रहता है, जैसे कोई भी मशीन में जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे हैं, इस कभी भी इन फ्यूचर कभी वैसे प्रॉब्लम आता नहीं है, कभी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट में प्रॉब्लम आए तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन पे ही आपको यहाँ पे आ जाएगा मशीन स्टेटस कि ये वाले पार्ट में आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट में प्रॉब्लम है। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आपने बस यहाँ पे ये पेपर और टाइटल रखना है, ऐसे आपको दिखाता हूँ, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, बस आपने यहाँ पे पेपर और टाइटल रखना है ऐसे, तो बाकी ऑटोमेटिक मशीन आगे लेके जाएगी, स्टिचिंग, फोल्डिंग, एडजस्ट केयरिंग, कटिंग करके कॉपी मशीन बाहर निकाल देगी। स्टिचिंग, फोल्डिंग, एडजस्ट केयरिंग होने के बाद, जैसे ये कटिंग यूनिट है तो कटिंग यूनिट का जितना वेस्ट होता है, वेस्ट पेपर निकलेगा, ये ट्रॉली दी होती है हमने साथ में, पेपर सारा ऐसे ट्रॉली में गिरता जाएगा कि बाहर आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ट्रॉली भर के ट्रॉली निकालो, पेपर को निकाल के बाहर फेंक दो जहाँ पे रखने हैं आपने। इसमें भी जैसे सेंटर कटिंग की जो भी रद्दी होएगी पेपर की, वो इसमें गिरती जाएगी। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन उसी हिसाब से बनाई है, सारी जो जो कटिंग मशीन के ब्लेड्स होते हैं हाई कार्बन हाई क्रोमियम के होते हैं, क्लैडेड नाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ मशीन कटिंग ब्लेड होते हैं। इसमें मशीन ले रहे हो तो आपको जैसे 4 सेट लगे होते हैं, 4 नाइफ्स लगी होती हैं, एक यहाँ पे होती हैं, 3 नाइफ्स यहाँ पे लगी होंगी इसमें, तो 3 नाइफ्स लगी होती हैं, टोटल 4 नाइफ्स लगी होती हैं, एक सेट मशीन के साथ स्पेयर मिलता है, ऐसे टोटल 8 नाइफ्स मिलेंगी मशीन के साथ आपको, कि जब इसकी धार खत्म हो जाएगी तो आप नाइफ चेंज करके, जो स्पेयर दिया था वो चेंज करके इसकी धार लगा सकते हो। तो ये इसकी जैसे धार लगा के आप इसको काफ़ी समय तक चला सकते हो नाइफ्स को भी। बाकी इसके आगे मैं आपको रॉ मटेरियल के बारे में बताता हूँ नोटबुक मेकिंग की। इसमें आपने एक टाइटल लगता है और एक पेपर लगेगा, टाइटल भी आपने जो भी डिज़ाइन का लगाना है आप कस्टमाइज करवा सकते हो, टाइटल अपना नेम प्रिंट करवाना है वो करवा सकते हो, स्कूल का लोगो प्रिंट करवाना है वो भी करवा सकते हो। तो इसका जैसे पेपर का अलग अलग प्राइस होता है क्वालिटी के हिसाब से, वाइटनेस के हिसाब से। तो जैसे जो इसकी मैं आपको एस्टिमेट बता देता हूँ कि कॉपी कॉस्टिंग कितने रुपये करती है, तो 30 रुपये की कॉपी मार्केट में सेल होती है, वो आपको 12 रुपये तक कॉस्टिंग करती है सारी, उसको आप 15, 16, 17 तक होलसेल में इजीली बेच सकते हो। तो जो मशीन की प्रोडक्शन होती है वो 3000 4000 कॉपी की 1 घंटे की प्रोडक्शन है, तो इसको आप 10 घंटे भी चला रहे हो तो 40,000 कॉपी मशीन आपकी निकाल देगी। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, बस एक ही आदमी यहाँ पे चाहिए, ऑटोमेटिक मशीन ने सारा काम करके निकाल देना है, 4 आदमी का काम एक ही मशीन कर देती है, उससे आपका होगा ऑटोमेटिक मशीन में प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैनुअल में काम कर रहे हो तो 3 आदमी 4 आदमी अलग लगे हैं, समझ लो 10,000 भी एक आदमी ले रहा है तो 40,000 उसकी सैलरी हो जाती है आदमी की, तो एक ही आदमी मशीन चलाएगा 10,000 में, एक ही मशीन सारे काम एक ही लेबर कर रही है, तो जो 30,000 है वो 30,000 आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी, इसमें पूरी एक्यूरेसी रहती है कटिंग की। देखो आप देख सकते हैं कॉपी बनाई है हमने, सारी इक्वल साइज की कटिंग आती है, ये नहीं कि कोई ऊंची नीची कॉपी हो, सारी इक्वल साइज की कटिंग आएगी, बढ़िया कॉपी सारी बनती है, देख सकते हैं, ये देखिए इक्वल साइज की सारी कॉपी आती है, चाहे उधर वाली कॉपी उधर रख लो, ये देखो इक्वल साइज की सारी कटिंग आती है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है।
और ये जितनी भी मशीन्स हमारे यहाँ बनती हैं, हमारे पास मैनुअल भी होती है, ऑटोमेटिक भी होती है, सेमी ऑटोमेटिक, 8 टाइप के मॉडल होते हैं। आप कोई भी जाना मशीन को परचेज करना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मशीन की डिटेल, बिजनेस की डिटेल सारी मंगवा सकते हो। अब देख सकते हैं हमारी सारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, आप उधर देख सकते हैं, उधर भी मशीन बन रही है, वो 3-in-1 मशीन है। उसमें जैसे था स्टिचिंग, फोल्डिंग, एजेस केयरिंग, कटिंग है, इसमें स्टिचिंग, फोल्डिंग और एजेस केयरिंग है। अगर ये मशीन ले रहे हो तो इसके साथ कटिंग अलग से लगती है। ये मशीन अभी रेडी हो रही है, तो मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ। सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सभी मशीन्स की। हमारे पास जो मशीन्स होती हैं, नोटबुक के अलावा और भी काफ़ी टाइप की बिजनेस की मशीन्स होती हैं, वायर नेल की, टिश्यू पेपर की, स्क्रू की। आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर की डबल कलर, डबल एम्बॉसिंग मशीन रेडी हो गई है, पैकिंग हो गई है डिस्पैच के लिए, ये कस्टमर को जाएगी। अभी भी देख सकते हैं 4-in-1 की और मशीन्स बन रही हैं, देख सकते हो यहाँ पे रॉ मटेरियल पड़ा है, रेडी स्टॉक मशीन पड़ी रहती है यहाँ पे। तो ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है सारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे फैब्रिकेशन है, पीछे पेंट एरिया है, तो जितनी भी मशीन्स की सारी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कि और कहीं से नहीं, हमारी यहाँ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सारी मशीन बनती हैं। कोई भी आपने मशीन लेनी है, कस्टमाइज मशीन बनवानी है, आप ऑर्डर करो, विद इन वीक 10 डेज में आपको मशीन रेडी हो जाके मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर शेयर जरूर करें, ताकि आपका जो कोई दोस्त, फैमिली वाला कोई भी है, बिजनेस करे और बहुत सारा पैसा कमा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।